नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस वाला यूट्यूबर चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं वीडियो लेके सुजुकी मोटर्स के जो कैंपस प्लेसमेंट उसका। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है सुजुकी मोटर्स, जिसमें दोस्तों फिर से एक नया कैंपस प्लेसमेंट निकल के सामने आ गया है, जिसमें बहुत सारे छात्रों को मौका दिया गया। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी सामने निकल के आ गई है। किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, उन सारी बातों को बता दूंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी नेम एंड लोकेशन की बात करें तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं सुजुकी मोटर्स, और जो हंसलपुर गुजरात में जो प्लांट लगा हुआ है उसकी वैकेंसी निकल के सामने आ गई है। दोस्तों क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 10+ ITI NCVT हो या SCVT, कोई भी जो आपकी काउंसिल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 10+ ITI होने चाहिए, जिसमें आपके जो 10th में मिनिमम जो कंडीशन है, 10th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स और ITI में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम है आपके, कोई भी आप कंडीशन पूरी नहीं करते, तो आप कैंपस प्लेसमेंट देने मत जाइएगा दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। ITI पासिंग ईयर की बात करें तो 2017 से लेकर 2021 तक के छात्रों को मौका दिया गया है। 2021 तक के छात्रों को फिर पास और अपेयरिंग, यानी 2021 में जो बोर्ड के छात्र ITI के पास हो गए उनको मौका दिया गया, और जो अपेयरिंग है उनको मौका भी दिया गया है। अपेयरिंग का दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपेयरिंग का मतलब है जैसे कि आपका लास्ट जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपका लास्ट एग्ज़ाम बाकी है या सेमेस्टर हो या ईयर, अगर वो बाकी है तो अपेयरिंग नहीं माना जाएगा। अगर आपने लास्ट एग्ज़ाम या सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो ही आपका अपेयरिंग माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। एलिजिबल जो ITI ट्रेड्स हैं उनकी अगर बात करें तो दोस्तों फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, ठीक है दोस्तों, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर यानी PPO, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, जनरल इत्यादि ट्रेडों के छात्रों को जो मौका दिया गया है। दोस्तों उम्र आपकी 18 वर्ष से 23 वर्ष रखी गई है, जिसमें दोस्तों पूरा 23 वर्ष नहीं दिया जाता है, 22 वर्ष 10 महीने, यानी 22 वर्ष और 10 महीने के जो छात्र होंगे इससे ज़्यादा के छात्रों को नहीं लिया जाएगा एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग जैसे आपकी आज की डेट में है, ठीक है, 16 फरवरी को अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो 16 फरवरी से ज़्यादा आपका जो ज्वाइनिंग के दिन आपकी उम्र 22 वर्ष 10 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनहैंड सैलरी आपकी 14,925 मिल जाएगी, जो आपकी CTC है, कॉस्ट टू कंपनी आपकी 20,100 रुपये, ठीक है दोस्तों। 14,925 के साथ साथ PF, ESI, मेडिकल और साथ ही साथ आपको कैंटीन, यूनिफॉर्म वगैरह सारी सुविधा दी जाएंगी, नीचे बताया गया दोस्तों। PF, ESI, कैंटीन, यूनिफॉर्म, शूज़, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, डॉर्मेटरी और नॉमिनल चार्जेस भी आपके जो काटे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जॉब टेन्योर की बात करें तो अंडर द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट स्कीम, यानी 7 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट स्कीम होता है, चाहे सुजुकी मोटर्स हो या मारुति सुजुकी किसी में भी हो, ठीक है दोस्तों। 17 फरवरी 2022 को आपका कैंपस प्लेसमेंट लगने वाला है गवर्नमेंट ITI वादनगर, डिस्ट्रिक्ट महेसाना, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। ये पिन कोड दिया गया है और एड्रेस दिया गया है, आप जरूर यहाँ पर पहुँचे और जरूर से कैंपस प्लेसमेंट में जाकर अपनी जगह को सुनिश्चित करें। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, इस आशा में कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।